Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, we will talk about a very important lesson, that is ascent of SAP. First of all, what is ascent of SAP? The phenomena of upward movement of water and dissolved minerals from the roots toward the leaves through the xylem tissue is called ascent of SAP. वाटर और उसमें मौजूद डिजॉल्व सॉल्ट्स डिजॉल्व मिनरल्स का रूट से लीव्स की तरफ जाइलम टिश्यू के जरिए मूव करना एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। इससे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि हाउ डज रूट्स अपटेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, हाउ डज वाटर एंटर्स द रूट जाइलम फ्रॉम द सॉइल। आज हम बात करेंगे कि हाउ डज सैप इन द जाइलम सॉल्यूशन इन द जाइलम विल राइज अप टुवर्ड्स द लीव्स। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप, वेरियस थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड। सैप का लफ्ज सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए रूट की जाइलम से लीफ की तरफ वाटर और डिजॉल्व साल्ट्स की मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ थीरीज प्रपोज की गई फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनमें से हम तीन थीरीज जो हमारे सिलेबस में है उनकी बात करेंगे। नंबर वन, कोहिजन टेंशन थीरी, नंबर टू, रूट प्रेशर थीरी, एंड नंबर थ्री, इम्बाइबेशन। आज हम सबसे पहले कोहिजन टेंशन थ्योरी की बात करेंगे। कोहिजन टेंशन थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज प्रपोज्ड बाय द डिक्सन। यहां सबसे अहम बात यह है कि दिस थ्योरी यानी कोहिजन टेंशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड दिस इज द मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन बल्क फ्लो और मास फ्लो। वाटर और उसमें मौजूद डिजॉल्व साल्ट्स का रूट्स की तरफ एक मैस की शक्ल में बल्क की फॉर्म में जाइलम के जरिए मूव करने के लिए जो सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, जो सबसे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, वो कोहिजन टेंशन थ्योरी है। इसलिए हमारी बुक पहला लिखता है कि कोहिजन टेंशन थ्योरी प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स upward from the roots to the leaves of the plants in bulk flow or mass flow. This is bulk flow, low nahi hai, flow hai. According to cohesion tension theory, a pulling force is created in the leaves due to transpiration. Cohesion tension theory ke mutabik लीव्स के सेल्स में ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स बनती है, एक खिंचाव की कुव्वत बनती है। उस पुलिंग फोर्स को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं एंड दिस ट्रांसपिरेशन पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स इन द कंटिन्यूस कॉलम थ्रू द जाइलम टिश्यू। और उसी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर और उसमें मौजूद डिजॉल्व साल्ट रूट से लीव्स की तरफ बल्क की फॉर्म में एक कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में मूव करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये कही कि कोहिजन टेंशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड इट इज द मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड द लीव्स इन बल्क फ्लो और मास फ्लो। और अकॉर्डिंग टू कोहिजन टेंशन थ्योरी, अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल इज क्रिएटेड इन द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन व्हिच पुल्स वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट्स अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस कॉलम थ्रू द जाइलम टिश्यूज। कोहिजन टेंशन थ्योरी के मुताबिक प्लांट
कि लीव्स में ट्रांसपीरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसको ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, और उस पुलिंग फोर्स की वजह से वाटर और डिजॉल्व साल्ट रूट से लीव्स की तरफ जाइलम टिश्यू के जरिए एक कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में मूव करते हैं। ये पुलिंग फोर्स कैसे क्रिएट होती है, इसका क्या मैकेनिज्म है, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें बुक वाला ये बताएगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होती है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन क्या है? प्लांट के एरियल पार्ट्स, जो हवा में पार्ट्स हैं, उनमें से वाटर का लॉस वेपर्स की फॉर्म में होता है, और खास तौर पर लीव्स से वाटर का लॉस स्टोमेटा के जरिए होता है। उसके लिए ट्रांसपीरेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, वाटर पोटेंशियल इन द मेसोफिल सेल डिक्रीजेस। ये लीफ के मेसोफिल सेल्स दिखाए गए हैं, और स्टोमेटा के जरिए वाटर का लॉस हो रहा है। जब स्टोमेटा के जरिए वाटर का लॉस होता है, तो मेसोफिल सेल से और वाटर इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है। तो मेसोफिल सेल से असल में वाटर इवापोरेट होकर इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और इंटरसेलुलर स्पेसेस से फिर स्टोमेटा के जरिए बाहर जाता है। तो जब मेसोफिल सेल से वाटर का लॉस होता है, तो मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। वाटर पोटेंशियल से क्या मराद है? काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, या हम आसान लफ्जों में कह देंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मेसोफिल सेल से जब वाटर का लॉस हुआ, तो मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जब मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम हुआ, तो वाटर एंटर्स द मेसोफिल सेल फ्रॉम द लीफ जाइलम, लीफ की जाइलम से जो रेड ट्यूब्स दिखाई गई हैं, यहां से वाटर जो है वो मेसोफिल सेल के में एंटर हो जाता। तो पहली बात, जैसे हमारी बुक पे लिखा, द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली टू द स्टोमेटा ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देन एज लीफ ट्रांसपायर्ड वाटर, द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मेसोफिल सेल, जब लीफ में ट्रांसपीरेशन होती है, उसके मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल ड्रॉप्स कम हो जाता है। दिस ड्रॉप कॉजेस वाटर टू मूव बाय ओस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द लीफ इनटू द डिहाइड्रेटिंग मेसोफिल सेल्स। जब मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो उस वजह से लीफ के जाइलम सेल से वाटर ओस्मोसिस की वजह से मेसोफिल सेल में एंटर हो जाता। तो यहां लीफ सेल के अंदर जो वाटर है, वो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, कोहेर टू इच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेर टू इच अदर इन द जाइलम वेसल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जब एक वाटर मॉलिक्यूल मूव अप द जाइलम, द प्रोसेस कंटिन्यू ऑल द वे इन द स्टेम एंड रूट। जब एक वाटर मॉलिक्यूल लीफ की जाइलम से ऊपर को मूव करता है, तो उसके पीछे लेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चल पड़ती है, स्टेम में और रूट में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। एज वाटर मॉलिक्यूल कोहेर टू इच अदर, सो वाटर इज पुल्ड अपवर्ड इन द लीफ जाइलम, विच इन टर्न पुल वाटर अपवर्ड एज अ कंटिन्यूस कॉलम इन द स्टेम जाइलम एंड रूट जाइलम। बिकॉज लीफ जाइलम, रूट जाइलम एंड स्टेम जाइलम आर कनेक्टेड विद इच अदर। इसलिए जब वन वाटर मॉलिक्यूल मूव अप द जाइलम इन द लीफ सेल, द प्रोसेस कंटिन्यू ऑल द वे इन द स्टेम एंड रूट।
The water molecule leaving the xylem are attached to other water molecule in the xylem, in the same xylem too, by hydrogen bond. Cohesion hai water molecule ke darmiyan. Therefore, when one water molecule move up the xylem, the process continue all the way to the root where water is pulled from the xylem cells, tracheids and vessel. Ye tracheids aur vessel, ye xylem ke cells hain jinke zariye water ki upward movement hoti. तो अभी हमने ये बात की कि पहले तो ये बताया व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्ट्रोमेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. देन अगली बात कही कि व्हेन लीव्स ट्रांसपायर, जब लीव में ट्रांसपिरेशन होती है, वाटर पोटेंशियल इन द मेसोफिल सेल decreases. जब loss of water from the mesophyll cell होती है तो mesophyll cell में water potential कम हो जाता है. And due to decrease in water potential in the mesophyll cell, water from the leaf xylem enter the mesophyll cells. Then, as the water molecules in the leaf xylem cohere to each other due to hydrogen bonding, the process continue all the way in the stem and root. Water molecule cohere to each other, so water is pulled upward in the leaf xylem. और जब leaf xylem में water pulled upward होता है, तो this in turn pull water upward as a continuous column in the stem and root xylem. This pull also causes water to move down its concentration gradient transversely from the root epidermis to cortex, endodermis and to pericycle. वो कह रहा है कि ये जो pulling force create हुई leaf के cell में और वो pulling force का असर leaf की xylem में, stem की xylem में, रूट की जाइलम में भी हुआ, जिसकी वजह से वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया. और ये पुलिंग फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि दिस पुल आल्सो काजेस वाटर टू मूव ट्रांसवर्सली फ्रॉम द रूट एपिडर्मस टू रूट कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मस टू पेरिसाइकल एंड देन इनटू द जाइलम. जो ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर है, जो रूट की एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस और फिर पेरिसाइकल और फाइनली जाइलम, ये ट्रांसवर्स मूवमेंट भी उसी पुल की वजह से होती है. द पुल आल्सो मेक वाटर टू मूव ट्रांसवर्सली फ्रॉम द रूट एपिडर्मस टू रूट जाइलम. ना सिर्फ बात यहां पर रुकी, बल्कि दिस पुल इज सो स्ट्रॉन्ग, जो मेसोफिल सेल में पुलिंग फोर्स क्रिएट हुई ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इट काज द वाटर टू एंटर फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन टू एपिडर्मल सेल, कि इसी पुलिंग फोर्स की वजह से सॉइल सॉल्यूशन से वाटर एपिडर्मल सेल्स में उसी पुलिंग फोर्स की वजह से एंटर होता है. तो बॉटम लाइन क्या है, लीफ के सेल से वाटर एवापोरेट होता है, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है. जब मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम होता है तो क्रीप वाली जाइलम से वाटर मेसोफिल सेल में एंटर हो जाता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए जब एक वाटर मॉलिक्यूल जाइलम को छोड़कर मेसोफिल सेल में आता है तो इसके पीछे लेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चल पड़ती है और लीफ की जाइलम इन टर्न वाटर ले लेती है स्टेम की जाइलम से, और स्टेम की जाइलम वाटर ले देती है रूट की जाइलम से, और उसी वजह से जो पुल क्रिएट होता है रूट की जाइलम में, तो वो ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर यानी एपिडर्मस, रूट की एपिडर्मस से जो जाइलम की तरफ ये जो वाटर की मूवमेंट है, ट्रांसवर्स मूवमेंट, ये भी उसी पुल की वजह से होती है. और ना सिर्फ इतना कि जो रूट, ये जो पुलिंग फोर्स है इतनी स्ट्रांग होती है कि सॉयल से वाटर की मूवमेंट एपिडर्मल सेल में भी इसी वजह से होती है. दिस पुलिंग फोर्स अ ट्रांसपिरेशन पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट आल्सो रिड्यूसेस
water potential of the root epidermal cell. Then water in the soil moves from its higher water potential to lower water potential of the epidermis of the root by osmosis. ये था mechanism of transpiration pull. अब यहां factor responsible for the upward pull of water column. ये जो water नीचे से ऊपर की तरफ एक continuous column की शक्ल में move करता है, ये किस वजह से होता है? ये वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक क्यों नहीं हो जाता? उसके कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो एक कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है. द अपवर्ड पुल ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर वन, कोहिजन. कोहिजन इज द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल which hold water together. Water molecule के बीच में cohesion जो है ये attraction जो है ये cohesion जिसकी वजह से water molecule जुड़े रहते हैं और एक solid chain like column बनती है within the xylem. Xylem tube के अंदर एक solid chain की शक्ल में water molecule cohesive forces की वजह से हैं. Water molecule के दरमियान hydrogen bonding है. उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो कंटिन्यूस कॉलम है वो ब्रेक नहीं होता. वाटर एक कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में रहता है. द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम. तो एक इस वजह से वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्सेस है. दूसरा, एडहेशन. इट मे बी एडेड that water molecules also adhere to the cell wall of the xylem cells. Water molecule जो हैं, वो xylem vessel, xylem की cells की जो दीवारें हैं, उसके साथ भी force of attraction रखते हैं. So that the column of water in the xylem tissue does not break. और इसी वजह से भी water column break नहीं होता. Water column के break ना होने की एक वजह वाटर मॉलिक्यूल की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरी वजह यह है कि वाटर मॉलिक्यूल आल्सो अडहेर टू द वॉल्स ऑफ द ज़ाइलम वेसल. ज़ाइलम सेल्स की दीवारों के साथ भी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल प्रोवाइड नेसेसरी अडहेशन टू द वाटर मॉलिक्यूल दैट हेल्प टू क्रीप वाटर अपवर्ड. अब वाटर मॉलिक्यूल की xylem vessel की दीवारों के साथ क्यों force of attraction है, क्यों adhesion है, क्यों मोहब्बत है? उसकी वजह यह है कि जो xylem vessel की cell walls हैं उनकी composition ऐसी है, उसकी composition की वजह से वो जो cellulose और lignin उसकी cell wall के component है उनकी water के साथ बड़ी मोहब्बत है, जिसकी वजह से water molecule जो है adhere to the walls of the xylem vessel. The cellulose component of cell wall especially has a great affinity for water. जो cell wall का component cellulose है, उसके साथ, उसकी water के साथ बड़ी मोहब्बत है, जिसकी वजह से water can imbibe by the cell wall. It can imbibe water. It means cellulose जो है, वो can imbibe water. Imbibe means take up water, creep water. उसके साथ water creep करता करता ऊपर चढ़ जाता. Imbibation एक ऐसा phenomena होता है जिसमें some substance take up water but they do not dissolve in water. तो water column के break ना होने की वजह एक ये है कि water molecule में cohesive forces हैं और दूसरी वजह water molecules की adhesion है, water molecule की force of attraction है with the cell wall of the xylem vessel. एक तीसरी वजह है tension. It is provided when this water chain is pulled up in the xylem. जब water molecule एक chain की शक्ल में ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसमें tension पैदा होता है और transpiration provide necessary energy or force. इस tension को create करने के लिए जो energy है, जो force है, वो transpiration है. और आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या बताया कि जो लीफ के मेसोफिल सेल्स हैं वहां से वाटर एवापोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होती है और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके दरमियान, उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में ऊपर को मूव करते हैं.
टेंशन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये खिंचाव जो है, ये टेंशन जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। दिस जाइलम वाटर टेंशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये जाइलम के अंदर जो टेंशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टू पुल द वाटर अप टू 200 meters, के 200 मीटर तक वाटर ऊपर खींच सकता है, और मोर देन 600 फीट इन प्लांट्स। तो तीसरी वजह, स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल्स। इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, दैट द जाइलम वाल्स शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जाइलम वाल्स में टेंशन को बर्दाश्त, दबाव को बर्दाश्त करने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इफ दे आर नॉट टू बकल इनवर्ड। अगर जाइलम वेसल, जो जाइलम सेल्स हैं, उनकी दीवारों को अंदर की तरफ नहीं मुड़ना, तो जरूरी है कि उनके अंदर टेंशन को बर्दाश्त करने की एबिलिटी होनी चाहिए। द लिग्नन एंड सेलुलोज कंपोनेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल। जो जाइलम वेसल की सेल वॉल है वो सेलुलोज और लिग्नन की बनी हुई है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल की वॉल जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। दे डू नॉट बकल इनवर्ड, वो अंदर की तरफ मुड़ती नहीं है, वो बेंड नहीं होती, जिसकी वजह से वो वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक नहीं होता। तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ, और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर एक कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसमें हेल्प करते हैं कोहिजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अडहीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द जाइलम वेसल्स, और स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स ऑफ जाइलम। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो वाटर को एक कंटिन्यूस कॉलम की शक्ल में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाती है। तो वो कहता है, बाय द कोहिजन टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल में कोहिजन और टेंशन की वजह से, एंड द ट्रांसपिरेशन पुल, और ट्रांसपिरेशन पुल प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, द सैप water and mineral in the xylem tissue is pulled upward to the leaves. water molecule mein cohesion aur tension ki wajah se aur transpiration pull ki wajah se jo xylem tissue ke andar sap hai, water aur minerals hai, wo niche se upar ki taraf move karte hain. the large quantity of water are carried at a relatively high speed up to 8 meter per hour. वाटर के ऊपर जाने की स्पीड कितनी है? 8 meters per hour, being recorded in tall trees, और कुछ दूसरे छोटे प्लांट्स में 1 meter per hour के हिसाब से वाटर ऊपर को मूव करता है। द टोटल वाटर पुल्ड अपवर्ड इन द लीफ इज ट्रांसपायर्ड, ज्यादातर वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस हो जाता है उसका। सिर्फ 1% जो है वो प्लांट अपनी एक्टिविटीज फोटोसिंथेसिस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। Then, ये एक और डायग्राम में दिखाया गया है, वही यहां जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कैसे होता है। ये लीफ के सेल, मेसोफिल सेल दिखाए गए हैं, 1, 2, 3। एक मेसोफिल सेल से वाटर का लॉस हुआ, वाटर एवापोरेट के जरिए, एवापोरेशन के जरिए बाहर निकला, तो इन मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जब मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम होता है तो वो करीब वाली जाइलम से वाटर ले लेता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए जब लीफ जाइलम से वाटर ऊपर की जाना मूव करता है तो एक लेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चल पड़ती है फ्रॉम द स्टेम जाइलम, फ्रॉम द रूट जाइलम, और फिर ना सिर्फ रूट और स्टेम जाइलम में वाटर ऊपर मूव करता है, बल्कि जो ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर है, यानी रूट की एपिडर्मस सेल से कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मस, और फिर पेरिसाइकल सेल से वाटर का जाइलम, रूट जाइलम में एंटर होना, एपोप्लास पाथवे के जरिए या सिंप्लास पाथवे के जरिए, ये भी उसी पुल की वजह से होता है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि कि जो पुल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एपिडर्मल सेल के अंदर भी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, और उस वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से सॉयल से वाटर जो है वो एपिडर्मल सेल में दाखिल हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है, ये पुलिंग फोर्स है विच इज क्रिएटेड इन द लीफ सेल्स,
ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एज अ रिजल्ट वाटर मूव अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टूवर्ड्स द लीव्स और उस पुलिंग फोर्स को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं और ये पुलिंग फोर्स ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हुई और वाटर की अपवर्ड मूवमेंट जो एक कंटिन्यूस कॉलम की में शक्ल में होती है वो मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से है कोहेसिव फोर्सेस अमंग द वाटर मॉलिक्यूल एडहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल स्ट्रॉन्ग जाइलम सेल वॉल की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ दिस इज ऑल अबाउट कोहेजन टेंशन थ्योरी थैंक यू वेरी मच